try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. Yes. We gotta finish this. I did. You trust me? I do. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Yes! Yes! Woo! Oh my God! बहुत बढ़िया. हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी मेडी न्यूज़. तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के इवेंट के बारे में जो कि मुंबई में हुआ था और उस इवेंट में क्या क्या हाइलाइट्स हुई. तो जो लोग घर पे बैठे हुए तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए, इसमें इंक्लूडिंग सारे अपडेट के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो. तो सबसे पहले यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुका है एवेंजर एंड गेम का 3D ट्रेलर, जिसमें कि हॉकाई वाले सीन में हमें आउटराइडर्स के लिए नजर आ रही है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात के वुल्वरीन वाला आउटराइडर्स भी है जिसके हाथ में तीन तीन पंजे भी है. तो पॉसिबिलिटी एवेंजर एंड गेम में अब लड़ाई काफी ज्यादा टफ हो गई है. जी हाँ, क्योंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर कुछ भी नहीं थी एवेंजर एंड गेम के सामने. देन उसी के साथ प्रियंका चोपड़ा इन फ्यूचर मार्वल फेज 4 में कंफर्म हो चुकी है, जो कि कंफर्म करते हैं डायरेक्टर जू रूसो ब्रदर्स. अगर प्रियंका चोपड़ा हाँ कर देते तो इन फ्यूचर प्रियंका चोपड़ा किसी भी सुपर हीरो रोल का प्ले कर सकती हैं. देन उसी के साथ स्ट्रॉम ऑफ ब्लैक पैंथर, इन फ्यूचर शादी, कनेक्शन, लव, सब कुछ हो सकता है. क्योंकि अभी हाल ही में जो रूमर आ रहे हैं कि स्ट्रॉम और ब्लैक पैंथर का लव कनेक्शन दिखाया जा सकता है, क्योंकि फॉक्स और डिज्नी की डील हो चुकी है. और मैं आपको दावा करता हूं कि इन फ्यूचर शायद मैं एजी मीडिया न्यूज पर आपको ऐसे अपडेट दिया करूं कि वुल्वरीन आ रहा है एवेंजर एंड गेम 5 में, 6 में स्पाइडरमैन का चौथा पार्ट आ रहा है, जिसमें कि हमें एक्समैन के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे. तो पॉसिबिलिटी वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि जब मैं आपको ऐसे अपडेट दिया करूंगा. तो ये तो एक शुरुआत है, एक रूमर है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ती है. उसी के साथ अगला अपडेट है डेव बैटिस्टा का. तो इन फ्यूचर गार्डन द गैलेक्सी में वो कंफर्म हो चुके हैं अपने कल के रीसेंट इंटरव्यू में. आपको अगर वो देखना है तो आपको फैंडांगो ट्विटर अकाउंट पे देखने को मिल जाएगा. उसी के साथ कैप्टन मार्वल का एक कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ, जो कि काफी कमाल का है. तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट में कैप्टन मार्वल एक बड़े से रोबोट से विरती नजर आ रही है अकेली, और चारों तरफ उनके रोबोट्स हैं. तो ये फैन और ये कॉन्सेप्ट आर्ट एक रिजेक्टेड था, जो कि मूवी में कैंसिल कर दिया गया सीन. अगर ये ऐसा होता तो मुझे लगता है कि शायद कैप्टन मार्वल का ये सीन काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला था. उसी के साथ एवेंजर एंड गेम का काउंटर रम सूट वाला कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें कि हमें सारे सुपर हीरो काफी कमाल के सूट में नजर आ रहे हैं. देन एवेंजर एंड गेम का एक सूट और साथ ही साथ टॉय लॉन्च हुए, जो कि प्रोफेसर हल्क को नजर दिखा रहा है. पर एवेंजर एंड गेम के ट्रेलर में अभी तक हमें प्रोफेसर हल्क नजर नहीं आया. तो मैं उम्मीद करता हूं कि फाइटिंग वाला सीन तो हो और प्रोफेसर हल्क पूरे गेटअप में नजर आए हमें. यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सीन में लोग धमाके मचा दें. उसके साथ मिस्टीरियो का एक आर्ट नजर आया, जो कि पहले भी नजर आया था, बट इसमें अब क्लियरली नजर आ रहा है. उसके साथ फंको लॉन्च हुए हैं एवेंजर एंड गेम के, जिसमें कि प्रोफेसर हल्क का क्लियर लुक नजर आ रहा है कॉन्टेनर सूट के साथ, और स्पाइडरमैन के विलन्स भी नजर आ रहे हैं. देन उसी के साथ थैनोस का बियर भालू वाला टॉय नजर आ है, जिसमें कि उसके पैर पर आर्मर फुली नजर आ रहा है. तो आपको ये अगर देखने हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे. अब बात करते हैं एवेंजर एंडगेम के स्पेशल लुक के साथ साथ चार पोस्टर लॉन्च हुए थे, जो कि कंपनी द्वारा लॉन्च हुए थे, जो कि मार्वल ने लॉन्च नहीं करे थे. तो सबसे पहला पोस्टर लॉन्च हुआ था रियल 3D द्वारा, उसके साथ आईमैक्स, फिर उसके बाद डॉल्बी डिजिटल कंपनी ने, और एक लॉन्च करा था बायोलॉजिक ने, जो कि डिज्नी के साथ कोलैब था. उन्होंने ये बात खुद कंफर्म करी अपने ट्विटर अकाउंट पे. देन इसके साथ डिटेक्टिव पिकाचू का ऑफिशियल इंटरनेशनल एक पोस्टर लॉन्च हुआ, जो कि काफी कमाल का लग रहा है. अब डीसी का अपडेट काफी कमाल का, तो जोकर का एक पोस्टर लॉन्च हुआ है और आज 9:30 बजे बैठ जाना ट्रेलर लॉन्च होने वाला है. फिर कहना कि एजी मीडिया न्यूज ने बताया नहीं, 9:30 बजे बैठ जाना ट्विटर अकाउंट पर और यूट्यूब पर, जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होगा. देन उसी के साथ वंडर वूमेन का सिनेमाकॉन में एक पोस्टर लॉन्च करा गया. देन उसी के साथ साथ लॉन्च करा गया है वर्ड्स ऑफ पेरी का, जो कि ये पोस्टर काफी कमाल के लग रहे हैं, पर इतनी ज्यादा हमें हिंट या इन फ्यूचर से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दिया इन पोस्टर में. देन अगला अपडेट है काफी कमाल का, माइकल बी जॉर्डन ब्लैक पैंथर के विलेन एरिक किलमोंगर. तो इन फ्यूचर ब्लैक सुपर हीरो बन चुक सकते हैं, क्योंकि डीसी में उनके ऊपर अब काम चल रहा है, स्टोरी के ऊपर काम चल रहा है. देन एवेंजर एंड गेम के डायरेक्टर, उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एमसीयू के एंटर करने के लिए वुल्वरीन को. जी हाँ, तो वुल्वरीन जल्दी हमें देख सकते हैं मार्वल फेज 4 में. अब डूरसो ब्रदर का तो भाई पूरा मतलब ध्यान है इसी के ऊपर. मुझे लगता है कि एवेंजर एंड गेम के बाद शायद अगला टारगेट एमसीयू में एंटर करवाने के लिए शायद वुल्वरीन का है. तो मेरी तरफ से जो अपडेट आया मैंने आपको बता दिया, अब इन फ्यूचर क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा. देन उसके बाद शज़ाम का स्टैंडिंग पोस्टर लॉन्च हुआ है, जो कि काफी कमाल का लग रहा है. AMC थिएटर, जो कि US में है, तो ये पूरी मार्वल की मूवी को होस्ट करेंगे एवेंजर एंड गेम के साथ.
तो देखते हैं कि क्या नया पता चलता है हमें AMC थिएटर में और इनके अपडेट्स में। उसी के साथ एवेंजर एंड गेम के टॉय लॉन्च हुए जिसमें कि हल्क का एक और कमाल का लुक नजर आया है। तो ये काफी टाइम हो गया, इसको 3-4 दिन हो गए लगभग आए हुए। उसी के साथ जेरेमी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट करा जिसमें कि उनका कौन सा पार्ट एवेंजर एंड गेम का बाथरूम में लगा दिया गया, तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उसी के साथ आपको जैसा पता है कि 9:30 बजे बाद ट्रेलर लॉन्च होने वाला है जोकर का, और जिम ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है। उन्होंने ये ट्रेलर देख लिया है और उन्होंने क्लियर ही बोला कि ट्रेलर काफ़ी कमाल का है और आप इंतज़ार करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है जोकर की सोलो मूवी का ट्रेलर। तो उम्मीद करता हूँ कि 9:30 बजे जो ट्रेलर लॉन्च होगा काफ़ी कमाल का होना चाहिए। कम से कम मुझे तो अच्छा लगे और फैंस को भी अच्छा लगे, क्योंकि मेरे को DC से अब उम्मीद है जब से मैंने वंडर वूमैन और जैसे कि शज़ाम का ट्रेलर देखा है और एक्वामैन दिल को लग गई। वर्ड्स ऑफ पेरी की 3 सेट फुटेज नजर आई हैं और ये अपडेट मैं पहले भी दे चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। उसी के साथ एवेंजर एंड गेम का काफ़ी कमाल का अपडेट, रिकॉर्ड तोड़ने वाला, सही बता रहा हूँ, दिल खुश कर दिया और मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही होने वाला है इन फ्यूचर। तो एवेंजर एंड गेम की जैसी टिकट सेलिंग हुई तो 6 घंटे में स्टार फोर्स अवेकस का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अवतार जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी उसका रिकॉर्ड ऐसे टूटा चुटकी बजाते ही। तो स्टार फोर्स अवेकस काफ़ी टफ पड़ी थी पर एवेंजर एंड गेम ने 6 घंटे में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आप सुन के हैरान होने वाले हो कि एवेंजर एंड गेम की पता है टिकट कितने की बिकी है US में? $500 की, यानी कि ₹34,000 की एक टिकट, और वो रीसेलिंग करी जा रही है, यानी कि लोगों ने टिकट खरीद ली और फिर उसे eBuddy पर $500, $150, $95 की बेच रहे हैं। आप ऐसा मत करना जब इंडिया में स्टार्टिंग होगी बुकिंग की, AMC थिएटर में स्टार्टिंग हो रही है इंग्लिश वर्जन में, तो आप ऐसा मत करना कि टिकट खरीदने के बाद उसे ब्लैक में बेचो, पकड़े जाओगे वरना मैं कर दूंगा कंप्लेंट, ठीक है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। पर $500 यार मायने रखती है, ₹34,000 में कौन बंदा पिक्चर देखने जाएगा एवेंजर एंड गेम? शायद मुझे लगता है कि कोई पागल ही फैन होगा जो कि पिक्चर देखेगा, पर यार मैं खर्च नहीं कर सकता इतने पैसे, मैं आराम से थिएटर वाले की मेरी और जुगाड़ है बहुत अच्छी तरीके से, मैं जुगाड़ लगाई लूंगा पहले दिन की शो की टिकट की। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, फैंटास्टिक फोर से। तो फैंटास्टिक फोर मूवी फाइनली रिबूट हो रही है और MCU में काम भी चल रहा है, और जो रूमर आया रिलीजिंग डेट का शायद किसी ने अपडेट ये नहीं दिया अभी तक, 2022 में फैंटास्टिक फोर हमें मूवी देखने को मिल सकती है। अब ये अपडेट मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे दिया, तो जाकर सर्च मारो मेरे ट्विटर अकाउंट को और फेसबुक को, आपको पता चल जाएगा वो कौन है डायरेक्टर जो इस मूवी के बारे में बात कर रहा है आजकल ट्रेंडिंग में। उसी के साथ एवेंजर एंड गेम का इवेंट हुआ था इंडिया में जिसमें कि जो रूसो ब्रदर्स के साथ साथ इंडिया में थैनोस, पॉल यानी कि हमारे जोस ब्रोलिन और एंटमैन, उसी के साथ हमारे थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ, इन्होंने एक इंडिया के लिए मैसेज दिया था। ये रहे उनके स्क्रीनशॉट जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, और देन उसी के साथ उन्होंने काफ़ी बताया कि वो मे बी इंडिया आना चाह रहे थे पर आ नहीं पाए। तो मज़ा आता है यार ये लोग भी आते, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 200% जब इवेंट में आए थे तो शायद भीड़ और ज़्यादा होती। अब बात करते हैं इवेंट के बारे में जो कि एवेंजर एंड गेम का हुआ था मुंबई में। तो इस इवेंट में जो फैंस नहीं गए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती करी, और सबसे बड़ी गलती करी मैंने, क्योंकि मैं इस इवेंट में नहीं गया और आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो कि आपने मेरी टिकट भी बुक करवा दी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को नाम तो नहीं पता किन किन ने टिकट बुक करवाई, पर आपने स्क्रीनशॉट भेजे कि भाई आप जा सकते हो, किसी ने दार्जिलिंग से करवाई, किसी ने न्यू दिल्ली से करवाई, किसी ने मुंबई से करवाई, तो यार थैंक यू सो मच। और देन जो इवेंट में गए थे, तो सबसे पहले मार्वल फैंस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इवेंट में जाते तो आपको एक बैंडेट मिलता है एवेंजर एंड गेम का, आपको एवेंजर एंड गेम के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पार्ट पोस्टर देखने को मिलते, ऑफिशियल लोगो देखने को मिलता, उसी के साथ डायरेक्टर जो रूसो ब्रदर्स से मिलने का मौका मिलता, आपको एक पोस्टर मिलता है एवेंजर एंड गेम का, उस पर ऑटोग्राफ भी मिलता। अब जो लकी पर्सन है जिनने ऑटोग्राफ करवा लिया और जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरी एक सलाह है उसे लेमिनेट करवा लेना और अपनी दीवार पर टांग देना, क्योंकि हंसी मजाक का खेल नहीं है जो रूसो ब्रदर का ऑटोग्राफ मिलना, समझ रहे हो। देन उसी के साथ आशीष अंजलानी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एक साल पहले उन्होंने कहा था कि आप मुझसे प्रॉमिस करिए मिलिए, और आज का दिन देखिए कि फाइनली वो इंडिया में है। तो ये मार्वल फैंस की ताकत है कि उन्हें इंडिया खींच लाई, और उम्मीद करता हूँ कि मार्वल फेस 4 में आयरन मैन 4 या कैप्टन अमेरिका 4, थॉर 4 या आने वाली मूवियाँ भी एवेंजर एंड गेम जैसी की तरह जो इवेंट हुआ अपकमिंग हो। और पॉसिबिलिटी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को याद रखना, और देन नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इवेंट हुआ तो मैं 100% जाऊँगा, और फैंस वादा करता हूँ आपसे कि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा ढेर सारे। प्रॉब्लम हुई मुझे इस वीडियो बनाने में क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।